और ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से आई कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें। आज अचानक मौसम बदल जाने की वजह से काफी ज्यादा आफत की आंधी यहां पर देखने को मिली और बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर पोस्टर्स गिरने से हादसा भी हुआ। लगभग 100 लोगों के इस बैनर के नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ये पेट्रोल पंप पर लगा एक बड़ा सा होर्डिंग है और लोहे की ये होर्डिंग गिरने से बताया जा रहा है 35 लोग घायल हो गए और इसके नीचे 100 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। हालांकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है, लेकिन मौसम बदलने पर अक्सर यहाँ पर छह लिए जो लोग होते हैं वो उनके ऊपर ये होर्डिंग गिरा है और देखते ही देखते 100 लोग इसके नीचे समा गए। पेट्रोल पंप के पास लगा ये होर्डिंग बताया जा रहा है। लोहे की ये बड़ी होर्डिंग गिरी और दूसरी तस्वीर आप देखिए, लोहे का शेड कैसे जमींदोज हो रहा है और देखते ही देखते एक ऊंचा लंबा जो पूरा मलबा सा था वो भर भरा कर जमींदोज हो गया। और ये तस्वीरें मुंबई के अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं जहां आज तूफान का कहर देखने को मिला। और ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से आई कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें। आज अचानक मौसम बदल जाने की वजह से काफी ज्यादा आफत की आंधी यहां पर देखने को मिली और बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर पोस्टर्स गिरने से हादसा भी हुआ। लगभग 100 लोगों के इस बैनर के नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ये पेट्रोल पंप पर लगा एक बड़ा सा होर्डिंग है और लोहे की ये होर्डिंग गिरने से बताया जा रहा है 35 लोग घायल हो गए और इसके नीचे 100 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। हालांकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है, लेकिन मौसम बदलने पर अक्सर यहाँ पर छह लिए जो लोग होते हैं वो उनके ऊपर ये होर्डिंग गिरा है और देखते ही देखते 100 लोग इसके नीचे समा गए। पेट्रोल पंप के पास लगा ये होर्डिंग बताया जा रहा है। लोहे की ये बड़ी होर्डिंग गिरी और दूसरी तस्वीर आप देखिए, लोहे का शेड कैसे जमींदोज हो रहा है और देखते ही देखते एक ऊंचा लंबा जो पूरा मलबा सा था वो भर भरा कर जमींदोज हो गया। और ये तस्वीरें मुंबई के अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं जहां आज तूफान का कहर देखने को मिला।